अपने व्यक्तिगत कारणों के वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। थैंक यू। पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप बामन राव लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि 18 वर्ष में सरकारी पद पर अपनी सेवा करने के बाद आज मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इन वर्षों में मैं बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि आज मैं भारतीय पुलिस सर्विस से त्यागपत्र दिया हूँ, परंतु मैं बिहार में ही रहूँगा और बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही शिवदीप लांडे को पूर्णिया प्रक्षेत्र का आईजी नियुक्त किया गया था। बताया जाता है कि बतौर एसपी के रूप में वे पूर्णिया, अररिया, मुंगेर में अपना सेवा दे चुके हैं। किशनगंज और कटिहार के भी प्रभारी एसपी रह चुके हैं। बताया जाता है कि जब शिवदीप लांडे इन जिलों में एसपी थे तो अपराधी जिला छोड़कर भाग खड़े हुए थे। इन जगहों से अपराधियों के नामों निशान मिट गए थे। वहीं सूत्र बताते हैं कि शिवदीप लांडे बिहार में खुलकर काम नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि वे कुछ सालों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। महाराष्ट्र पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंटी नारकोटिक सेल एवं क्राइम ब्रांच मुंबई में भी उन्होंने अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए थे। वहीं समय अवधि खत्म होने के बाद पुनः वे बिहार आ गए थे और सहरसा रेंज का डीआईजी बनाए गए थे। वहीं 10 दिन पूर्व ही उन्होंने पूर्णिया प्रक्षेत्र का आईजी बनाया गया था। वहीं अचानक इस्तीफे के बाद पूर्णिया में हड़कंप मच गया है। अभी वे अपने कार्यालय में ही बैठकर कागजी कार्य कर रहे हैं। वहीं बाहर निकलते ही उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि व्यक्तिगत कारण से वे इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें कि शिवदीप लांडे 2006 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला जिले के परसा गांव के निवासी हैं। वे एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कभी कभी छुट्टी में उन्हें अपने गाँव में खेती करते भी देखा जाता है। हालांकि उनके इस्तीफे के कयास काफी लंबे समय से लगाए जा रहे थे। यह कयास लगाए जा रहे थे कि वे इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र चले जाएंगे, मगर बिहार में ही रहने की बात कहकर यह सस्पेंस बना दिया है कि आखिर अब वे बिहार में क्या करेंगे। बता दें कि इससे पूर्व कई आईपीएस अधिकारी बिहार छोड़कर जा चुके हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों के वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। थैंक यू।